अल्लाह क्या कहता है कि तुम इबादत करो अपने रब की, जो तुम्हारा खालिक भी है, तुम्हारा मालिक भी है, तुम्हारा राजिक भी है, तुम्हारा हाकिम। हमने कभी लफ्ज इबादत जो है उसको परखा ही नहीं, हमने लफ्ज इबादत को कभी समझा ही नहीं कि ये है क्या, ये क्यों है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातिब किया और सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला क्या कहता है कि वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने जो मकसद तख्लीक है, जो पर्पस ऑफ क्रिएशन है, वो अल्लाह ताला ने समझा दिया इंसान को। अगर अल्लाह हमें यह आयत नाजिल ना करता कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे क्यों बनाया, इंसान, इंसानियत, जिन्नात और जिन्नों की पूरी जमातें ये बैठ के सर टकराते रहते हैं, अल्लाह की कसम इनको ये ना पता चलता कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, हम इस दुनिया में क्यों आए। और आप जाके उस तकलीफ, उस पेन, उस कर्ब को जाके पूछे उन लोगों से जिन्होंने ये कुरान नहीं पढ़ा, जिनके पास ये आयात, ये निशानियाँ नहीं आई, दे आर द लॉस्ट सोल्स। उनको पता ही नहीं है उनकी ज़िंदगी क्या है, उनको मकसद नहीं पता उनका, उनको पता ही नहीं है उन्होंने अपने इस जिस्म का क्या करना है। तो अल्लाह ताला ये जो आयात हमें दे रहा होता है, जिसको हम पढ़ रहे होते हैं, जिसको हम सुन रहे होते हैं रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर, अल्लाह ताला की ये रहमतें हैं। जब अल्लाह ताला कहता है कि ऐ इंसान, ऐ जिन्नात, मैंने तुम्हें पैदा ही सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया है, अपनी इबादत के लिए। अल्लाह का अगर आप तसव्वुर देखें ना, अल्लाह ने दुनिया की एक एक चीज़ के साथ अपनी इबादत जोड़ दी। और सूरह फजर के अंदर भी जो आयत है उसके अंदर भी अल्लाह क्या कहता है, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बी की, लौट जा अपने रब की तरफ, जिसने तूने जिंदगी में, दुनिया में जब तू छोटा सा था, लम यकुन शय्यम मस्कुरा, जब तू एक ऐसी चीज़ था कि तुझे कोई डिस्कस नहीं करता था, तू इस बाजार की जीनत नहीं था, तू इस दुनिया की जीनत नहीं था, वो तब भी तेरा रब था। जब तू बड़ा हो गया, बहुत फूल गया, बड़े लेवल को पहुंच गया, तो जुखरुफ पे पहुंच गया, तो अपने पिनिकल के पहुंच गया, अल्लाह कहता है मैं तब भी तेरा रब हूँ, तो तू क्या कर, मेरी इबादत कर। तो इबादत का जो तसव्वुर है वो सिर्फ ये 6-8-10 चीज़ें नहीं है, बल्कि इबादत का तसव्वुर ये है उदखुलू फिस्सलमी काफ़ा, इबादत अल्लाह ताला कहते हैं दीन के साथ कि तुम एक लाइफ स्टाइल को अपनाओ जिसमें तुम्हारा खाना भी अल्लाह वाला हो, जिसमें तुम्हारा पीना भी अल्लाह वाला हो। अल्लाह ताला खाने पीने के बारे में क्या कहते हैं, या यूर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, जो पाकिज़ा है तुम क्या करो वो खाओ। अल्लाह कहता है कुलू वश्रबू, अल्लाह ने खाने का करीना दिया है, मैं तरीका बताया है, मेथड बताया है कि तुमने बंदों कैसे खाना है, अल्लाह के रसूल ने खा के दिखाया है, अहदीस मिलती है, तुमने रहना कैसे है, तुमने पहनना कैसे है, अल्लाह ने उसूल बताए सारे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये उस दीन के अंदर अल्लाह की उस उबूदियत में शामिल होती हैं जिसमें हमारा ओढ़ना, बिछोना, खड़ा होना, बैठना। अल्लाह के रसूल जब चलते थे कैसे चलते थे, सर झुका के चलते, जैसे ढलान पे चलता है ना इंसान, अल्लाह के रसूल वैसे चल। अल्लाह जो शमाइल जो हैं, अल्लाह के रसूल के जो सिफात हैं वो क्यों हैं, ताकि अल्लाह की मुराद बताया जा सके। अल्लाह खुद तो नहीं उतरेगा, अल्लाह अपने आप को दिखाएगा नहीं, हर चीज़ कुरान के टेक्स्ट से नहीं निकाली जा सकती। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक नबी भेजा, और नबियों के लिए भी अल्लाह ताला ने, आप कुरान की आयत उठाएं, सूरह हूद उठाएं, सूरह आराफ उठाएं, जो जो आयतें पढ़ेंगे आपको यही चीज़ मिलेगी, उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम क्या करो, अल्लाह की इबादत करो। सारे कौमों के कौमों को अल्लाह ने ये मुखातिब करके बोला उबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई इस काबिल ही नहीं है कि जिसकी पूजा की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए। इबादत की बुनियाद ही दो चीज़ों के ऊपर खड़ी होती है, एक को वो कहते हैं अल्हुब्बुत ताम, अल्टीमेट लव फॉर अल्लाह सुभानहु व तआला, मतलब पहले कल की मोहब्बत जब तक नहीं होगी इबादत आपकी कामिल नहीं हो सकती अल्लाह के साथ। दुनिया में कई चीज़ें और थी, कई इमोशंस, जज्बात, एहसासात, इदराकात कई थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इबादत के पीछे क्या रखी, मोहब्बत रखी, कि इफ़ यू वांट टू वर्शिप अल्लाह तो उसका जो 50% है वो ये है, तुमने मोहब्बत करनी, तुम्हें बला की मोहब्बत होनी है अल्लाह से, होनी चाहिए अल्लाह से। अगर तुम मोहब्बत नहीं कर सकते अपने रब से, तुम इबादत नहीं कर सकते उसकी। दूसरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल वो है अज़ुल्लुत्ताम, गुलाम है ना हम, गुलाम, हम अब्द हैं, हम इबाद हैं, हमने उबूदियत करनी है, तो हमने क्या करना है, अज़ुल्लुत्ताम, हमने अपना सर तस्लीम खम करना है, हमने सबमिशन देनी है,
ہمیں تذلل اختیار کرنا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ایک لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر ذلیل ہونا, یہ تھوڑا منفی لفظ ہے. عربی کے اندر ذل کہتے ہیں سبمیشن کو, جہاں پہ انسان اپنا جسم, اپنا سر, اپنے احساسات, اپنا شعور, اپنے لمز اینڈ آرگنس, یہ اپنے اعضاء, اپنے جوارح, اپنی سوچیں, اپنی نفس, خواہش, یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا جس طرح سرنڈر کرتا ہے نا, سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں تذلل. یہ دو جب تک جو ہے چوٹی کی اللہ کو نہیں ملیں گی, آپ کی جو عبادت ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی. اور کتنی پیاری چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اسی کا ہی جو نیگیٹو ہوگا وہ شرک ہوگا. اسی سے یہی توحید ہے, یہی توحید کا ایک ایسپیکٹ ہے, یہی اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کہتا ہے, فرشتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے نا, ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتی, وہ محبت کرنے کے اندر اور سبمیشن دینے کے اندر وہ تکبر نہیں کرتے. الحب التام وذل التام, یہ دو چوٹیاں جو ہیں جس کے اوپر عبادت کھڑی ہے, کمپلیٹ محبت, الٹیمیٹ لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ الٹیمیٹ سبمیشن کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو. اللہ کے رسول رات کو جب کھڑے ہوتے ہیں, اتنا پڑھتے, حدیث میں آتا ہے کہ چکی جس طرح چلتی ہے نا, ویسے سینے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں, ویسے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ روایت میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگیں سوج جاتی تھیں. تو ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا, بولا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اب تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جو پچھلے گناہ جو اگلے گناہ سب معاف کر دیے اللہ نے, اب کیوں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نا بولوں.